हेलो एवरीवन, मैं हूँ फजर राशि आलम, आपका प्यार दोस्त। तो आज का मैं कोरल ड्रॉप एट 7 में अगर सेव का ऑप्शन अगर मेरा डीएक्टिवेट हो जाए, एक्सपोर्ट का ऑप्शन अगर डीएक्टिवेट हो जाए, तो कोरल ड्रॉप में हम लोग एक्टिवेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा थोड़ा देर पहले ही मेरा डीएक्टिवेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर कोरल ड्रॉप ऑन कर रहा हूँ, तो फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पर सारा सेव है, एक्सपोर्ट, सेंड टू, सारा का सारा मेरा ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया। तो अगर मान लेते हैं हम इसको सेंड टू में कन्वर्ट करेंगे या कुछ काम करके मान लेते हैं सेव करना चाहते हैं, फोटो जैसे कुछ डायग्राम वायग्राम बनाएं या इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परमिश टू पीडीएफ, तो ये सारा का सारा मेरा ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया। तो इस ऑप्शन को मैं एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक ट्रिक बतलाऊंगा और ये ट्रिक 110% आपके लिए काम करेगा। तो सबसे पहले कोरल ड्रॉप का एक लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉगिन है यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉगिन करिएगा। तो यहाँ पर अगर लॉगिन करने से आपका काम होगी तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा स्टेप आपको बतलाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बाय अ लीगल कॉपी नाउ। ये क्या बोल रहा है, लाइसेंसी है, लाइसेंसी को करना है। तो यहाँ से पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पूछा मेरे से। तो यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए इसको हम लोग फिलहाल अभी डीएक्टिवेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं हम लोग, क्लोज, यहाँ से भी कट कर देते हैं, बंद कर दिया, इसको भी कट कर देते हैं। नहीं तो यहाँ पर सारा ऑप्शन पूछेगा कोरल ड्रॉप का क्या क्या रूल है, यहाँ पर कितना कितना पैसा में क्या क्या खरीदना पड़ेगा, सारा ए टू जेड दिया हुआ रहता है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। क्या करिएगा, सर्च ऑप्शन में जाके यहाँ पर लिखिएगा रन, रन लिखिएगा। रन लिखने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, परसेंटेज का साइन डाल के एट डेटा फिर परसेंटेज, ओके ओके में जैसे ही क्लिक करिएगा, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर जैसे देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन है मेरा, ये देखेंगे यहाँ पर एक कोरल का एक ऑप्शन आएगा, कोरल का ऑप्शन आ जाएगा, बड़ा कर देते हैं, अगर बड़ा देखना चाहते हैं तो बड़ा देखिए। कोरल में जाके क्या करिएगा, इसको डिलीट कर दीजिएगा आप, देन इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट, डिलीट कर देते हैं। एक यहां से जो डिलीट हो गया, ये डिलीट होने के बाद मेरा रिसाइकल बिन में चला जाता है ये फाइल, तो हम क्या करते हैं रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं। तो राइट क्लिक क्लिक करके रिसाइकल बिन से हटा देता है और यस करते हैं, तो ये मेरा यहां से भी डिलीट हो गया। कोरल ड्रॉप डिलीट करने के बाद तो हम अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि मेरा एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। तो कोरल ड्रॉप X7 मेरा फिर से ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन कर लीजिएगा। तो ईमेल आईडी तो मेरा यहाँ पर है matrixcomputer0786@gmail.com एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, और साइन इन का, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अंदर से भी जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहां से क्या करते हैं ना, ये चीज हम हटा देते हैं, हम अंदर से आपको जाके बतला देंगे, ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं। क्लोज करिए क्या, तो मान लीजिए अभी तक हम लॉगिन नहीं किया, तो अभी भी मेरा सेव का ऑप्शन जो है वो डिसकनेक्ट आता होगा, देख सकते हैं यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, फाइल का ऑप्शन, मेरा सारा का सारा अभी भी डिसकनेक्ट है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कनेक्ट, अब लॉगिन करते हैं, हम कहाँ जाके, यहाँ पर जाके लॉगिन करेंगे। देखिए ऑप्शन आ गया ना, अब लीगल कॉपी कॉपी करने बोल रहा है, बोला बाइक खरीदने के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी देकर पासवर्ड डाल देते हैं और इसको साइन इन करते हैं। जैसे ही साइन इन किए, देखिए सारा का सारा मेरा ए टू जेड ऑप्शन खुल गया। तो यहां से आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कलर करिए, कुछ भी करने के बाद अब इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिखने का मन होगा तो लिख लीजिए, आप जो अच्छा आपको जो लगता है वो लिख लीजिए। और यहाँ पर फाइल में जाके इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना पीडीएफ में करिए, एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट करना इंपोर्ट करिए, जो आपको अच्छा लगता है उस टाइप का सारा ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये था एक ट्रिक कोरल ड्रॉप एक्टिवेट करने का, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये आपका एक्टिवेट, अगर डीएक्टिवेट हो जाता है, अगर लीगल कॉपी राइट अगर पूछता है, कॉपी राइट पूछता है, खरीदने पूछता है, बाइक खरीदने करने बोलता है, तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए।